मैं थोरो दुकान नाम की है सतीश कुमार नाम है रेडीमेड गारमेंट्स दुकान बाजार में बाजार में तो क्या स्थिति है मतलब मार्केट की क्या स्थिति है मार्केट में भीड़ रस्सी जैसी चल रही है सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहिए 4-5 बजे तक का टाइम देना चाहिए धंधे में तो लोग ऐसे कैसे बाजार में फिर रहे हैं ग्राहक बाजार में आ रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कम से कम 4 बजे तक का टाइम देना चाहिए सरकार भीड़ वैसे ही वैसे बाजार में चल रही है कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन को कोई मतलब नहीं भीड़ वैसे कैसे आम दिनों में जैसे स्टेशन रोड पे भीड़ उसी तरह की भीड़ है कोई फर्क नहीं है तो आप क्या चाहते हो सरकार से क्या सरकार चाहते हैं कि 4 बजे तक टाइम दे दे कम से कम तो क्या छोटे मोटे काम का दुकानदारी धंधा बंदा रोजी में फर्क पड़ता है ना उससे धंधे का फर्क पड़ता है रोटेशन खराब होता है थोड़ा बहुत टाइम देना है 4-5 घंटे का टाइम दे दो उससे फर्क पड़ता है दुकान का नाम क्या है भगवान दास लालवानी नाम है रॉयल गारमेंट दुकान है अभी बाजार में तो वही स्थिति है जैसी कि पहले थी लग रहा ही नहीं कि आज कोई लॉकडाउन है वही इससे अच्छा तो लॉकडाउन यार खोल दे 12 से 5 या जो टाइमिंग हो देते यहाँ तो पूरा बंद करा दे किराने प्रोविजन वगैरह किराने प्रोविजन गार्ड में सब जने दुकानें थोड़ी थोड़ी खोल के बैठे हैं और गांव वाले ग्राहक आ रहे हैं सब सामान वगैरह सब अंदर ले रहे हैं भीड़ की स्थिति क्या है बहुत सारी भीड़ है जैसे होती है नॉर्मल दिनों में आज की स्थिति से लग रही नहीं रहा है कि कोई आज लॉकडाउन है इससे अच्छा तो या तो फिर 12 से 5 कुछ टाइम दे व्यापारी को सुविधा दे तो आराम से खोल के दुकान कामकाज कर सके तो रोटेशन भी घूमेगा सबको थोड़ा थोड़ा फायदा मिलेगा स्टाफों को दुकानदारों को थोड़ा मोटा छोटे मोटे काम है वो सब हो सकते हैं हमारे ठीक अभी तो हम घर पे भी नहीं बैठ सकते दुकान पे भी नहीं बैठ सकते आगामी शादियों की सीजन है शादियों सीजन को लेकर भी भीड़ लग रही है उसी हिसाब से तो बहुत सारी भीड़ है गाँव वाले लोग भी आ चुके हैं बाजार के अंदर वो शादियों के सीजन के हिसाब से कपड़ा खरीदने वगैरह जूते खरीदने वगैरह तो शादियों के हिसाब से थोड़ा बहुत व्यापारियों को टाइम दे जिससे सबका काम हो सके ठीक मेरा नाम नारायण है मेरा कपड़े की दुकान है और जिस तरीके से गहलोत सरकार ने 2 दिन का वीकेंड करके और 15 दिन का मूर्ख बना के जो लॉकडाउन करवाया इससे हम बहुत दुखी हैं हमारे पास जो शादियों के ग्राहक थे उनकी शादियों की ड्रेसें देनी है उनके शादी तो करना अलाउ है लेकिन शादी वाला ड्रेस पहनेगा क्या दुल्हन ड्रेस क्या पहनेगी दूल्हा ड्रेस क्या पहनेगा हमारे पास उनकी ड्रेसें हम उनको वापस कैसे देंगे आज के दिन में हमारे पास फ़ोन आ रहे हम उनको क्या जवाब दें उनकी ड्रेस हमारे को देनी है ये कैसे हो पाएगा अभी 2 दिन का बोल के आपने 15 दिन का अलग से लगा दिया इसके लिए व्यापारी पूरी तरह से तैयार नहीं थे अभी जो 15 दिन का लगाया है उसमें किराना की दुकानें खुली और मार्केट में भीड़ किस प्रकार की है मार्केट में गांव के ग्राहक मारे मारे फिर रहे हैं उनको जो उनके 30 तारीख की शादियाँ उनको उनकी तैयारी करनी है उसके लिए वो सब जगह उनको कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे को दुकान खोल के सामान दो लेकिन ये लोग डर रहे हैं व्यापारी डर रहे हैं और पुलिस बार बार घूम के और डरा रही है तो इस वजह से कोई भी दुकान तो खोल नहीं रहा है और बड़ी समस्या आ रही है अब गांव वालों को सिटी वालों को जिनकी 30 तारीख की शादी है उनको हम क्या जवाब दें तो बाजार में आम दिनों में भीड़ होती है वैसी स्थिति है कैसी स्थिति बाजार में नहीं उतनी भीड़ नहीं है जितनी जो शादियों के हिसाब से सीजन के हिसाब से भीड़ होती है उतनी भीड़ नहीं है लेकिन जिनके इमरजेंसी शादियाँ हैं उनको जो शादी खरीदी करनी है वो कैसे करेगा ठीक है राजस्थान सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है जिसके तहत 19 तारीख से आगामी 3 मई तक सारा मार्केट और व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको बंद करवाया है लेकिन कुछ ज़रूरी सामान की दुकानें हैं उनको खोलने की छूट दे दी है इसी के चलते बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर के मुख्य स्टेशन रोड पर जो आम दिनों में भीड़ रहती है वैसी की वैसी भीड़ आज नज़र आ रही है और जो किराना की दुकानें हैं या अन्य दुकानें हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है इसके साथ में जो दूसरी दुकानें हैं कपड़े की दुकानें हैं टेलर्स की दुकानें हैं या फैंसी स्टोर की दुकानें हैं वहाँ वो सारी दुकानें बंद हैं और दुकानदारों के साथ साथ जो लोग हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं परेशान इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आगामी 25 और 30 अप्रैल को शादियों की सीज़न है और लोग जो शादियों के सामान लेने के लिए मार्केट आ रहे हैं तो उनको मार्केट बंद नज़र आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जो बाड़मेर के अंदर इस वक्त जो भीड़ नज़र आ रही है लोगों की भीड़ नज़र दुकानों पर किराना की दुकानों पर और मार्केट में आम गलियों में जो भीड़ नज़र आ रही है जो आम दिनों में भीड़ दिख रही है वैसी की वैसी भीड़ आज भी मार्केट में नज़र आ रही है अब देखना ये होगा कि सरकार क्या आखिर इन दुकानदारों को राहत देगी या नहीं।